नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आज हम डॉक्टर नरेश सरहन जी के पास आए हैं जो कि एक जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अभी तो अच्छा हाल है। सर मेडिसिटी आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत और आपने काफ़ी दिल से बनाया है एंड इत्तेफाक से आप दिल के डॉक्टर भी हैं, तो आपका जो ये सपना पूरा हुआ है तो कैसा लग रहा है आपको? इस बात पे तो काफ़ी मतलब अकम्प्लिशमेंट लगता है कि मतलब जो एक जर्नी शुरू करी थी इस माध्यम की तरफ कि हिंदुस्तान को एक्चुअली ऐसी मेडिसिन की फैसिलिटी देनी है जिससे तीन चीज़ें जाहिर हों। एक तो दुनिया में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यही हो, दूसरा वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एक्सेस कर सकें, और तीसरा है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी नई एरा मेडिसिन, न्यू इंडियन मेडिसिन बनाएं जो एक अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी वगैरह हैं, उनको आधुनिक मेडिसिन से मिला के एक ऐसी नई मेडिसिन बनाई जाए कि जो हमारे लिए सबसे अच्छी हो और एटलीस्ट उसकी कॉस्ट आधी हो, सो दैट हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे, वो मुझे मेरा उत्साह बढ़ा है कि हाँ वो जो एक मेरी ड्रीम है उसको एक पॉसिबिलिटी का चांस मिला है कि कोई दिन ऐसा आएगा आने वाले 5-7 सालों में कि मैं एक न्यू इंडिया मेडिसिन, एरा मेडिसिन बना सकूं। तो ये सर जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल दिल की बीमारियां बहुत छोटे उम्र के लोगों को हो रही हैं और देश की आबादी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आजकल दिल की बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसा क्यों, क्या कुछ कमी रह गई है? नहीं, कमी नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जी बिल्कुल। सी क्या था कि अगर जो भगवान ने ये बॉडी बनाई कि इसको आप इस तरीके से अगर जो आप इसका देख रेख रखेंगे तो उसकी जो है कंडीशन जो है वो अच्छी रहेगी सालों साल, पर आज के दिन में क्या हो गया कि कई आर्टिफिशियल चीज़ें हो गई हमारी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो खान पान है वो बहुत ही जंक फूड की तरफ चला गया, जिसमें फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, शुगर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे आप देखेंगे कि लोगों की खून में चर्बी की कंटेंट जो है वो बढ़ गई है और ब्लड शुगर बढ़ गई, अब बहुत सारे लोग डायबिटिक हो गए। तो ये तो एक दो खाने पाने, दूसरा क्या हुआ कि क्यों मैकेनाइजेशन के साथ जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें ये सब आ गई, तो लोगों की जो फिज़िकल एक्टिविटी थी वो बंद हो गई। पहले तो हम जानते थे कि लोग अपना पैदल चल के जाते थे या साइकिलों पे जाते थे और कुछ करना पड़ता था काम, राइट, वो तो अब बंद हो गया। अब इवन फार्मर जो हल चलाता था वो भी ट्रैक्टर पे चढ़ के चलता है। तो ये मिसमैच जो हुआ है कि खान पान बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सरसाइज कम हो गई, दैट इज़ आई थिंक वन मेजर प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ ये है कि ये हिस्टोरिकली देखा गया कि हमारे जीन्स में भी कुछ टेंडेंसी है ये एथरोस्क्लेरोसिस की तरफ से, जैसे कई जगह में होती है कैंसर की ज़्यादा होती है, जैसे विदेशों में कैंसर की ज़्यादा कहीं है, जैसे वो हमारे यहाँ डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ की ज़्यादा टेंडेंसी भी है। तीसरा, अब स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है क्योंकि ये हर एक के ऊपर ये आ गया है। अगर जो आप जाएंगे रोड पे भी जाएंगे तो कितना रोड रेज हो गया क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, प्रेशर बच्चों का ज़्यादा हो गया कि भाई स्कूल महंगे हो गए, हर एक को अपनी मिशन, तो ये हर एक के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर आया हुआ है। तो अब ये देखना है कि आज की सोसाइटी में हम अगर जो जीना चाहेंगे और जिसमें मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई हैं कि हम अपने आप को कैसे उस वातावरण में से बचाएं, यही हमारा प्रयास है। तो ये बात सच्ची आपने कही कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा ही बीमारी बढ़ गई है, ख़ास करके हृदय रोग बहुत बढ़ गया है, डायबिटीज़ उसके साथ लगी हुई है, तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हृदय रोग और डायबिटीज़ का कैपिटल बन गया है।
सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है हमारी, ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि लोगों को मतलब कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, भाग दौड़ की ज़िंदगी में हेल्थ इतनी पीछे रह चुकी है, तो कोई टिप्स देना चाहेंगे जिससे हम लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें, युवा पीढ़ी को स्पेशली? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है कि इसलिए देखो, ये तो हो नहीं सकता आपको कि दुनिया को आगे जाने दो, हम बैठे हैं यहाँ हम बाग बगीचे में इंजॉय कर रहे हैं, वो तो आज हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि ये तीनों चीज़ों के से कोप करना है, किस लिए, जिसको हम इंटेलिजेंट लिविंग कहते हैं, कि अगर जो मैं और इसका ये महत्व है आपके इंटरव्यू का कि अगर जो ये पब्लिक अपना ले जो कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और वही है कि पहला कि जब भी आप खाने पर जाएंगे, जैसे हम जाते हैं एक शादी में जाते हैं, शादी में लोगों को ये दिखाने एक शख्स ये सब चीज़ों का सेवन करेगा तो नेचुरली उसमें बॉडी में कहाँ तक हैंडल कर सकेगी इतनी फैट और इतनी शुगर। तो हमें ये देखना कि अगर जो हमारे सामने ऐसी चीज़ आई है और जो कॉम्प्लेक्स जैसे वीट वगैरह या मिक्स्ड बाजरे वगैरह की जो रोटी हैं वो बेस्ट होती हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट हफ्ते में 5 बार 40 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। और तीसरा, जो स्ट्रेस है उसको ये अवॉइड तो कर नहीं सकते पर उसको डील कर सकते हो, क्योंकि योगा जैसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्ट्रेस को सबसे ज़्यादा कम करती है। तो अगर जो आप अपनी लाइफ में ये तीन चीज़ें अपना लें तो ये बेस्ट डिफेंस होगा आपका अगेंस्ट डिजीज़, ना ही कि हार्ट की डिजीज़ पर कोई भी डिजीज़। तो ये जो गुण है ये अगर जो आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका चांस हेल्थी लिविंग का बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, हमारे देश को मेदांता जैसे हॉस्पिटल और आप जैसे एफिशिएंट डॉक्टर टीम की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे देश के अन्य राज्यों के बारे में आपने क्या सोचा है कि मतलब और ऐसे मेदांता हॉस्पिटल? हाँ जरूर, देखो इसके दो तरीके होते हैं, क्योंकि मुझे ये ना घमंड है ना ग्रीड है कि भाई हमारा ही होना चाहिए, पर हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं बनाने में, हमारे भी कुछ होंगे, मेदांता भी होंगे शहरों में, पर मैं उससे ज़्यादा तो ये चाहता हूँ कि जितने लोग चाहेंगे कि हम उनको असिस्ट करें हम उसको उतने तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि जितना ऐसा स्टैंडर्ड फैले, मैंने पहले भी किया और मैं अब भी करने को तैयार हूँ कि उनको जितनी हेल्प हम कर सकते हैं देंगे। और ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान में ये हेल्थ जो क्राइसिस है इसमें लोग लो कॉस्ट पे इसको उपलब्ध कर सकें, ये मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास है। इसका मतलब क्या है, कॉमन मैन, एक आम आदमी आपके हॉस्पिटल में इलाज कर, सभी आदमी, नॉट ओनली आम आदमी, जो जिसको आप ना आम आदमी भी कहते होंगे, जो एक्सेप्शनल भी है, उसके लिए भी, सबके लिए होना चाहिए। ये तो देश सबके लिए है, ये ज़रूर बात है कि क्योंकि आम आदमी थोड़ा पिछड़ा गया है तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, पर ये नहीं कि जो जिसने मेहनत से या कुछ बन गया है उसको तो नहीं पिछाड़ना ना, उनके लिए भी होना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए। और ये हमारा भी प्रयास है, गवर्नमेंट का भी प्रयास, हम साथ मिलकर भी ये प्रयास कर रहे हैं। चलिए बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपने कॉमन मैन ही नहीं सबको ध्यान में रख के हॉस्पिटल बनाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया और मैं चाहती हूँ कि दर्शक सुने जो टिप्स जो सर ने दी हैं वो उसको अपनाएं और स्वस्थ रहें। सर जनता टीवी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।